इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। 16 सितंबर को स्वर्गस्थ अटल जी की प्रथम मासिक पुण्यतिथि होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि प्रथम मासिक पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के सभी इकाइयां अटल जी को काव्यांजलि देकर इनकी स्मृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। हर विधानसभा स्तर पर लगभग देश भर में 4000 से ज्यादा स्थानों पर अटल जी को काव्यांजलि देने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा, जिसमें अटल जी की द्वारा लिखी गई कविताओं का स्वयं अटल जी के मुख से जो काव्य पठन हुआ है उसके रिकॉर्डिंग को लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और कवि सम्मेलन आयोजित कर अटल जी के कविताओं के पठन के कार्यक्रम होंगे और अटल जी पर कवियों ने जो कविता बनाई है उसके भी पठन के कार्यक्रम होंगे। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम अटल जी की प्रथम मासिक पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में करेगी और हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करेगी। 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बार श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा दिन के रूप में मनाते हैं। इस बार 17 सितंबर से 25 सितंबर दीनदयाल जयंती तक का एक पूरा सप्ताह भारतीय जनता पार्टी अटल जी की स्मृति में सेवा सप्ताह मनाकर उनको काव्यांजलि के बाद कार्यांजलि देने का एक कार्यक्रम हमने रखा है। इस सेवा सप्ताह में देश भर की सभी झुग्गी झोपड़ियों में, सभी बस्तियों में मेडिकल कैंप भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किए जाएंगे, सरकार की ओर से आयोजित किया जाएंगे, जिसमें मेडिकल चेकअप, टीकाकरण, सगर्भा महिलाओं की जांच, छोटे बच्चों की जांच और उसके बाद उस बस्ती में सफाई के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हाथ में लिए जाएंगे। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत की योजना जो प्रधानमंत्री देश के सामने लेकर आए हैं, देश के 10 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का, एक संपूर्ण कवरेज देने का एक महत्वाकांक्षी योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, वो आयुष्मान भारत योजना को भी हम जागरूकता फैलाकर लोगों को उसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करने का काम इस सेवा सप्ताह में करेंगे। तो सेवा सप्ताह के माध्यम से देश में कम 20,000 स्थानों पर सफाई के काम होंगे, मेडिकल चेकअप होंगे, बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम होंगे और मेडिकल चेकअप के द्वारा बाद में उसको अस्पतालों से जुड़कर उसके स्वास्थ्य के सुधार के लिए गरीब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेतु बनने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ आयुष्मान भारत की ओर पहले से जागरूकता फैलाकर ज्यादा से ज्यादा लोग आयुष्मान भारत का फायदा उठा पाएं।